हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम अतरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 92। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उससे हमसे बोला है कि मैक्स हैड 9 डिफरेंट बॉक्सेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इन विच ही कलेक्ट्स सम मार्बल्स डेली। ठीक है, ईच डे ही चूज वन ऑफ द बॉक्स एंड पुट सम मार्बल्स इन इट। ही ओनली यूज वन बॉक्स ईच डे एंड नेवर यूज एनी बॉक्स मोर देन वन टाइम। ठीक है, उसने अभी तक हमें क्या बताया कि मैक्स के पास टोटल गए 9 बॉक्सेज हैं जो कि अलग अलग कलर्स के, मतलब 9 आपके पास क्या होंगे कलर्स होंगे। वो क्या करता है, वो इन बॉक्सेज को यूज़ करता है क्या कलेक्ट करने के लिए, कुछ मार्बल्स कलेक्ट करने के लिए। वो डेली एक बॉक्स को यूज़ करता है, ठीक है, और किसी भी बॉक्स को दोबारा यूज़ नहीं करता है। मतलब क्या, वो 9 डेज तक क्या करेगा, बॉक्स को यूज़ करेगा, इजंट इट। ठीक है, और उसने हमें आगे क्या बताया, नोट दिया एक कि नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्टेड टिल फिफ्थ डे डज नॉट इंक्लूड मार्बल्स दैट आर कलेक्टेड ऑन दी फिफ्थ डे। मतलब कि अगर उसने बताया हमें कि फिफ्थ डे तक आपके पास टोटल मार्बल्स कितने इकट्ठे हो गए, 150, तो ये 150 क्या होंगे, ये 150 आपके पास वो इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि फिफ्थ डे को हमने कलेक्ट किए। जैसे कि इससे पहले मान लेते हैं कि फोर्थ डे तक आपके पास कितने कलेक्ट हो गए थे, 145। ठीक है, और फोर्थ डे को उसने कलेक्ट किए 5 और, तो मतलब कितने हो गए टोटल, 150 यहाँ पर हो गए ना। तो अगर हम फिफ्थ डे की स्टार्टिंग में चेक करेंगे तो आपके पास कितने होंगे, 150 होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो भी दिया होगा कि नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्टेड टिल फिफ्थ डे, उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि उसी दिन कलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फिफ्थ डे को हमने 10 मार्बल्स इकट्ठे किए तो आप सिक्स डे को शो करेंगे कितना, 160। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए इसके बाद इसने हमें कंडीशंस दी हैं तो उनका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, हमें एक चीज़ बताना कि आपके पास टोटल 9 डेज तक ये यूज़ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस को लिखते हैं। देखिए उसने हमें कंडीशन क्या बताई है कि येलो बॉक्स वॉज यूज 2 डेज आफ्टर ही यूज ग्रे बॉक्स। ओके, येलो बॉक्स जो यूज़ हो रहा है वो 2 दिन के बाद यूज़ होगा, किसके, ग्रे बॉक्स के बाद, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक बॉक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट सेकंड इस तरीके से डेज हैं। ठीक है, उसके बाद टिल फोर्थ डे तक फ्रॉम द स्टार्ट मार्बल्स कलेक्टेड आर 33। ओके, फोर्थ डे तक आपके पास जो टोटल मार्बल्स कलेक्ट हुए वो कितने हुए, 33 मार्बल्स कलेक्ट हुए। ठीक है, उसके बाद ग्रीन बॉक्स विच वॉज नॉट यूज ऑन द थर्ड डे, ग्रीन बॉक्स जो कि थर्ड डे को यूज नहीं हुआ है, ठीक है, वॉज यूज इमीडिएटली आफ्टर ब्लू बॉक्स। वो कब यूज हुआ है, ग्रीन की अगर हम बात करें, इमीडिएटली आफ्टर ब्लू बॉक्स। ओके, एंड एट अ गैप ऑफ 2 डेज विद ब्राउन बॉक्स। ओके, और ग्रीन बॉक्स जो है वो 2 डेज के गैप में है किससे, ब्राउन से। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ऑन फोर्थ डे ही कलेक्टेड 1 मार्बल मोर देन ही कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे। ओके, उसने बोला कि फोर्थ डे को वो एक मार्बल और इकट्ठा करता है जितने मार्बल वो फर्स्ट डे को इकट्ठा करता था। तो मान लेते हैं फर्स्ट डे को वो कितने इकट्ठे करता है, x, ठीक है, तो फोर्थ डे को वो कितना करेगा, x प्लस 1 इकट्ठा करेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग मार्बल्स ही ऑलरेडी हैड 21 मार्बल्स इन वन ऑफ द बॉक्स विच ही यूज्ड टू फिल ऑन द सेम डे। ओके, उसने बोला पहले दिन जब वो मार्बल्स कलेक्ट करने आया तो उसके पास ऑलरेडी कितने मार्बल्स थे, 21 मार्बल्स थे, कब, फर्स्ट डे को। ठीक है, और उसने उसी बॉक्स में और बाकी के मार्बल्स को क्या करा, कलेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद ऑन लास्ट डे को, ठीक है, ही हैड टोटल 64 मार्बल्स विद हिम, सो ही डिड नॉट कलेक्ट एनी मार्बल ऑन दैट डे। ओके, लास्ट डे को इसके पास टोटल मार्बल्स कितने थे, 64 थे, इसलिए इसने इस डे को कोई भी मार्बल इकट्ठा नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कि ही यूज्ड 2 बॉक्सेस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स एंड बोथ दीज बॉक्स विच आर यूज बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बॉक्स वर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल्स। उसने बोला कि वो क्या करता है, वो 2 बॉक्सेस को यूज़ करता है किसके बीच में, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स के बीच में। ठीक है, और जो वो बॉक्सेस यूज़ करता है ये दोनों, उसमें वो डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल्स क्या करता है,
कलेक्ट करता है, ठीक है। इसमें अगर वो कितने करता है, मान लेते हैं डब्ल्यू करता है, तो इसमें कितने करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि नंबर ऑफ मार्बल्स टिल सेकेंड डे वॉज हाफ द नंबर ऑफ मार्बल ही हैड कलेक्टेड टिल सेवेंथ डे। ओके, उसने बोला कि सेकेंड डे को जो आपके पास मार्बल्स हैं वो क्या है, वो हाफ है किससे, सेकेंड डे को जो मार्बल है वो हाफ है किससे, जितने उसने सेवेंथ डे तक कलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स विद हिम टिल ही यूज्ड द ब्लू बॉक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ मार्बल्स ही कलेक्टेड आफ्टर यूजिंग द ब्लू बॉक्स। ओके, उसने बोला कि ब्लू बॉक्स तक, ठीक है, जितने भी मार्बल्स उसने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, वो क्या है, वो लेस हैं किससे, जितने नंबर ऑफ मार्बल्स ब्लू के बाद कलेक्ट हुए, फाइन। उसके बाद उसने क्या बोला कि ही यूज बोथ ब्लैक एंड वाइट बॉक्सेस आफ्टर यूजिंग ब्लू बॉक्स। ओके, उसने क्या बोला, दोनों ब्लैक और वाइट बॉक्स को कब यूज कराए, ब्लू के बाद यूज कराए, ठीक है। उसके बाद ऑन सेवेंथ डे ही कलेक्टेड सेवन मार्बल्स। ओके, सेवेंथ डे को उसने सात मार्बल्स कलेक्ट किए, ठीक है। ग्रे बॉक्स वॉज नॉट यूज इमीडिएटली आफ्टर ईदर वाइट और ब्लैक बॉक्स। ओके, जो ग्रे बॉक्स है वो इमीडिएटली आफ्टर यूज नहीं हो रहा है किसके, जब उसने वाइट बॉक्स यूज करा और ब्लैक बॉक्स यूज करा, ठीक है। उसके बाद पिंक बॉक्स वॉज यूज बिफोर वाइट बॉक्स बट नॉट ऑन दी सिक्स डे। ओके, उसने बोला पिंक बॉक्स जो है वो कब यूज हुआ है, वो यूज हुआ बिफोर, वो कब यूज हुआ है, वो यूज हुआ बिफोर वाइट बॉक्स, ओके, लेकिन सिक्स को नहीं, ठीक। उसके बाद ऑन फिफ्थ एंड सिक्स डे ही कलेक्टेड द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। ओके, फिफ्थ और सिक्स को वो सेम नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्ट करता है, मान लेते हैं कितना ए, ये भी कितना ए, ठीक है। और उसके बाद देयर वर 50 मार्बल्स विद हिम टिल सेवेंथ डे। ओके, सेवेंथ डे तक उसके पास कितने मार्बल्स थे, 50 मार्बल्स थे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, उस टाइम से क्या रहा था कि सेवेंथ डे को जितने मार्बल्स थे उसके हाफ कब तक है, सेकेंड डे तक, मतलब कि अगर हम सेकेंड डे को बात करें तो इसने कितने मार्बल्स कलेक्ट किए होंगे, 25, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसके कितने डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है ना, मतलब क्या, हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर उसने सेम नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्ट किए, तो ये डिफरेंस कितना, 8 है, 8 को अगर हम करेंगे तो ये कितना कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, इजंट इट, मतलब ये कितना होगा आपके पास, यहाँ से 4 ऐड होगी 29 हो गया, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास भी 4 हो जाएगा। अगर ये आपके पास 4 है तो ये आपके पास कलेक्ट कितना होगा, 5, अगर ये 5 कलेक्ट हुआ है मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 38 हो जाएगा। अगर ये 38 है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में देखिए कितना यूज है, 12 का ना, तो मतलब क्या, ये होगा 6, ये भी कितना होगा, 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 44 हो जाएगा, फाइन। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 है, सेवन्थ को उसने 7 कलेक्ट करे, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा उसके पास, 57 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ उसने कितने कलेक्ट करेंगे, देखिए 8th डे को उसने कितने कलेक्ट करे, 7 कलेक्ट करे, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, जितने भी आपके पास मार्बल्स कलेक्ट हुए हैं, फाइन। अब देखिए उसने हमें क्या बोला था, अब यहाँ पर हम कंडीशंस को चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाली कंडीशन की, उसने हमसे क्या बोला कि ब्लू से पहले जितने भी मार्बल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं, ठीक है, वो क्या है आपके पास, वो लेस है किससे, जितने ब्लू के बाद कलेक्ट किए गए। अब ब्लू कहाँ पर हो सकता है, देखिए क्या आपके पास ब्लू यहाँ पर यूज़ हो सकता है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर हम देखें इससे पहले टोटल कितने कलेक्ट हुए, 57 कलेक्ट हुए, इज़न्ट इट, और इसके बाद तो एक भी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ब्लू नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्लू से पहले कितने इकट्ठे हो गए आपके पास, 50 कलेक्ट हो गए ना, बिकॉज 44 यहाँ प्लस 6, ठीक है, कितने कलेक्ट हो गए आपके पास, 50 कलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर हम देखें इसके बाद कितने कलेक्ट हुए, सिर्फ 7 हुए, तो मतलब ब्लू यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से ब्लू यहाँ नहीं हो सकता, ब्लू यहाँ नहीं हो सकता, ब्लू यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए आपके पास थर्ड डे तक अगर हम चेक करें, यहाँ पर हमने मान लिया ब्लू यूज़ करा, ठीक है, तो यहाँ तक कितने आपके मार्बल्स कलेक्ट हो गए, 29 ना, इजंट इट, और इसके बाद देखिए कितने कलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर अगर हम देखें 14, 20, 26 एंड 31, इसका मतलब क्या है, ब्लू को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप ब्लू को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और आप ब्लू को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ये तीन पॉसिबिलिटीज़ मैं चेक करूँगा, देखिए, ओके, अगर इन केस ब्लू को मैंने यहाँ पर यूज़ करा, ठीक है, कब,
फर्स्ट डे को यूज़ करा, तो देखिए उसने बोला था कि ब्लू के जस्ट आफ्टर क्या है आपके पास, ग्रीन है, तो बोला ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर यूज़। फिर ग्रीन और ब्राउन के बीच में क्या है, दो डेज का गैप है, इसका मतलब क्या है आपके पास, ब्राउन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये आपके पास कहाँ कहाँ आ सकता है, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट के बीच में जो भी आपके पास दो बॉक्सेस यूज हुए थे उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्ट हुए, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो अगर हम बात करें, देखिए वाइट और ब्लैक, मैं इन दोनों की कंडीशंस को चेक करूंगा, आपके पास इनमें से कोई फर्स्ट को यूज़ हो सकता है क्या, नहीं, बिकॉज अगर फर्स्ट को यूज़ होगा फिर दूसरा यहाँ पर यूज़ होगा, इन दोनों के बीच में तो सेम नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्ट किए गए, तो नहीं आपके पास फर्स्ट और फोर्थ हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा फोर्थ और फिफ्थ में ले सकता हूँ क्या, इनके बीच में देखिए ये दो मार्बल्स कलेक्ट हुए हैं, फाइव और फोर, हाँ डिफरेंट है, मतलब क्या इनकी अगर हम पॉसिबिलिटी बनाना चाहें तो आपके पास एक टू और फिफ्थ की हो सकती है, मतलब क्या एक आपके पास सेकंड डे पर और एक आपके पास फिफ्थ डे पर, ठीक है। उसके थर्ड और सिक्स की अगर बात करूँ तो हाँ ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि एक में कितने कलेक्ट किए गए सिक्स, एक में कितने कलेक्ट किए गए फाइव, तो आपके पास थ्री और सिक्स इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद फोर और सेवन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, फिफ्थ और एट्थ की पॉसिबिलिटी हाँ ये भी हो सकती है, फिफ्थ और एट्थ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद सिक्स और नाइन्थ की नहीं, क्योंकि ये भी क्या आपके पास सेम है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास इनकी ये तीन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो देखिए आपके पास टू और फाइव वाला तो यूज़ नहीं होगा, क्या आपके पास थ्री और सिक्स वाला यूज़ हो सकता है, हाँ ये भी यूज़ हो सकता है, क्या आपके पास फाइव और एट वाला यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज हम यहाँ पर किसको पुट कराना है, ब्लैक और वाइट को पुट कराना है ना, लेकिन फिफ्थ पर तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है ब्राउन है, तो इसमें सिर्फ आपके पास यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब क्या थर्ड पर आपके पास ब्राउन या फिर वाइट में से हो सकता है, और फिर सिक्स ब्राउन या फिर वाइट में से हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना। इसके बाद अगर हम पुट करना चाहते हैं, उससे हमसे क्या बोला था कि आपके पास देखिए ग्रे के एक दिन के बाद क्या है, सॉरी दो दिन के बाद है, मतलब क्या एक दिन का गैप होगा, ठीक है, ग्रे के दो दिन के बाद क्या आपके पास येलो है, तो ये कहाँ पर आ सकता है, ये सिर्फ यहीं पर तो आएगा ना, इजेंट इट, मतलब ग्रे कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे हमसे क्या बोला था कि ग्रे जस्ट आफ्टर नहीं है वाइट और ब्लैक के बाद, इसका मतलब क्या है ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब क्या आपके पास ब्लू यहाँ पर नहीं आ सकता। अब अगर मैं ब्लू को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, ओके अगर मैं इनकेस ब्लू को यहाँ पर यूज़ करता हूँ सेकेंड पर, तो इसके जस्ट ऊपर थर्ड पर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या कि ग्रीन आपका थर्ड डे पर यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो मैं ब्लू को सिर्फ थर्ड पर ही तो पुट करा सकता हूँ ना, कि आपके पास ब्लू कहाँ पर आएगा थर्ड पर आएगा, इन दैट केस आपके पास इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ आपके पास किसकी ब्राउन की, तो देखिए ब्राउन आपके पास यहाँ भी हो सकता है और ब्राउन आपके पास एक तो छोड़कर यहाँ भी हो सकता है, अगर इनकेस ब्राउन यहाँ पर है, ठीक है, तो देखिए आप फिर इन कंडीशंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी सेकेंड और फिफ्थ की, ये यूज़ हो सकता है, हाँ हो सकता है, थर्ड और सिक्स यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, और फिफ्थ और एट्थ यूज़ हो सकता है क्या, देखते हैं। अगर मैं फिफ्थ और एट्थ को यूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पर ब्लू या फिर वाइट, सॉरी ब्लैक या फिर वाइट, और एट्थ ब्लैक या फिर वाइट, फाइन। अब आप यहाँ पर ग्रे और येलो को कहीं पर पुट करा सकते हैं क्या, आप नहीं पुट करा पाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, फाइन। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी सेकेंड और फिफ्थ की, अगर मैं सेकेंड और फिफ्थ की बात करता हूँ, मतलब कि यहाँ पर, लेकिन देखिए उसने क्या बोला था हमसे कि ब्लैक और वाइट दोनों ही ब्लू के बाद यूज़ हुए, इसका मतलब क्या ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया क्या, जब हम ब्राउन को यहाँ पर पुट करा रहे हैं, इन दैट केस हम इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पास ब्राउन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तब देखिए अगर इन केस में ब्राउन को यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो देखिए आपके पास कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, टू और फिफ्थ की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, थर्ड और सिक्स की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, फिफ्थ और एट्थ की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं टू और फिफ्थ की पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास देखिए बनी नहीं पाएगा, बिकॉज आपके पास ब्लू के नीचे हो जाएगा ना ब्लैक या फिर वाइट, इसका मतलब क्या इसकी यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए ब्लैक या फिर वाइट को, और दूसरा ब्लैक या फिर वाइट को यहाँ पर पुट करा सकते हैं। फिर अगर मैं पुट कराना चाहूँ इसको, तो देखिए आपके पास ग्रे यहाँ पर और येलो कहाँ पर यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो उसने हमसे क्या बोला था कि देखिए यहाँ पर वाइट के नीचे आपके पास क्या है पिंक है, लेकिन वो सिक्स पर नहीं है, तो देखिए आपके पास कहाँ हो सकता है, ये सिक्स पर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ यहीं पर बन सकती है, आपके पास पिंक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, अगर पिंक यहाँ पर है तो रेड कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, फाइन, और इनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगी हमारे पास क्या फाइनल पजल, आई होप आज की पजल आपको समझ में आई होगी, थैंक यू सो मच।